आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी हवा चलने लगी है। अपनी अपनी तैयारियों में जुटी सभी पार्टियों की नजरें जीत पर टिकी हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जाए। यूपी में फिलहाल भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए, सपा के नेतृत्व वाले इंडिया और मायावती की पार्टी बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। जी हाँ, इन सब के बीच अगर फरुखाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ के चुनावी समीकरण में जाति समीकरण अधिक प्रभावी दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पर पार्टियों ने भी उन्हीं प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है जिनका लोगों के बीच ज्यादा वोट है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो फरुखाबाद लोकसभा सीट में मतदाताओं की कुल संख्या 16,89,299 है, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 9,19,362 और महिला वोटरों की संख्या 7,69,661 है। वहीं अगर बात करें फरुखाबाद लोकसभा के अंदर किस जाति का कितना वोट है तो आपको बता दें कि यहां सबसे ज्यादा क्षत्रिय और शाक्य वोटर्स हैं, जिनकी संख्या 3,20,000 से ज्यादा है। ग्राफिक्स के माध्यम से बता दें कि यहां क्षत्रिय वोटरों की संख्या 1,84,270, शाक्य वोटरों की संख्या 1,38,600, लोधी वोटरों की संख्या 2,75,200, यादव मतदाताओं की संख्या 2,18,480, मुस्लिम वोटरों की संख्या 1,74,000, ब्राह्मण वोटरों की संख्या 1,50,260, कुर्मी वोटरों की संख्या 1,03,021, वैश्य वोटरों की संख्या 87,130, जाटव वोटरों की संख्या 98,250, अन्य वोटरों की संख्या 2,60,088। दरअसल इस सीट पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी सीट पर अपना उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। वहीं जिले से बीजेपी ने दो बार सांसद रहे मुकेश राजपूत पर फिर से भरोसा जताया है और लोधी वोटरों की संख्या सार्वजनिक होने के चलते बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वहीं अगर 1952 से लेकर 2019 तक लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा का दबदबा रहा है, जबकि सपा को दो बार जीत मिली है। ग्राफिक्स के माध्यम से बता दें कि कब किसको मिली जीत, कौन रहा सांसद। 1952 के कांग्रेस के मूलचंद दुबे को जीत मिली, 1957 में भी कांग्रेस के मूलचंद दुबे को जीत मिली, 1962 में भी तीसरी बार मूलचंद दुबे को जीत मिली, 1967 में कांग्रेस के अवधेश चंद्र राठौर को जीत मिली, 1971 में एक बार फिर अवधेश चंद्र राठौर को ही जनता ने चुना, 1977 में जनता पार्टी के दयाराम शाक्य ने जीत हासिल की, 1980 में एक बार फिर जनता पार्टी के नेता दयाराम शाक्य की जीत हुई, 1984 में खुर्शीद आलम खां कांग्रेस के प्रत्याशी बने और जीत हासिल की, 1989 में जनता दल के संतोष भारती ने यहां से चुनाव जीता, 1991 में सलमान खुर्शीद कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरे और जीत दर्ज की, 1996 में बीजेपी ने साक्षी महाराज को चुनाव में उतारा जिन्होंने जीत दिलाई, 1998 के चुनाव में भी साक्षी महाराज ने बीजेपी को जीत दिलाई, 1999 में चंद्रभूषण सिंह पहली बार सपा के लिए यहां से चुनाव जीते, 2004 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जनता ने चंद्रभूषण सिंह पर भरोसा जताया, 2009 में कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने फरुखाबाद लोकसभा से जीत हासिल की, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने जीत हासिल की, 2019 में एक बार फिर बीजेपी के मुकेश राजपूत को जनता ने वोट कर संसद भेजा। खैर, फरुखाबाद लोकसभा सीट पर जाति समीकरण और पिछले आंकड़ों को देखकर ये कहा जा रहा है कि इस बार का चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।